पर भी पुरी को जमानत के बाद जहां इंडस्ट्री काफी खुश है, वहीं सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है। लोगों का कहना है कि पर्ल वी पुरी को जमानत अगर मिली है तो आशाराम बापू को भी मिलनी चाहिए। 8 साल पहले जो है पॉक्सो के तहत ही आशाराम बापू को भी गिरफ्तार किया गया था और पर्ल वी पुरी की भी गिरफ्तारी 4 जून को हुई थी। 11 दिन जेल में रहने के बाद पर्ल वी पुरी बाहर आ चुके हैं, लेकिन आशाराम बापू के भक्तों का कहना है कि जिस एक्ट के तहत आशाराम बापू को गिरफ्तार किया गया, वही एक्ट के तहत अगर पल भी पूरी को भी गिरफ्तार किया गया है, तो आज आशाराम बापू जेल में क्यों हैं और पल भी पूरी बाहर क्यों हैं? तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर आशाराम बापू के भक्तों का गुस्सा फूटा है और उनका कहना है कि क्यों पल भी पूरी को बेल मिली तो आशाराम बापू को क्यों नहीं मिल सकती? भारत को तो संतों की भूमि कहा जाता है, तो संतों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक ने लिखा, पॉस्को एक्ट के तहत आसाराम बापू जी को 8 सालों में एक बार भी जमानत नहीं मिली और अभिनेता पल भी पूरी को इतनी जल्दी जमानत मिल गई, वाह रे न्यायपालिका। एक ने लिखा, वाह, यहाँ एक अभिनेता को जमानत मिल जाती है जहां भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, बापू को उसी पॉक्सो अधिनियम के तहत जमानत नहीं मिलेगी। भारत का न्याय न्यायालय सिर्फ पैसे के थैले से खरीदा जाता है। जब न्यायपालिका भी आंशिक निर्णय ले रही है तो लोग न्यायपालिका पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो इस तरीके से पल भी पूरी को साल 2019 के एक केस में गिरफ्तार किया गया। 11 दिन के बाद फिलहाल उन्हें जमानत मिली है और उनको कुछ हफ्तों की राहत दी गई है और उसके बाद जो है इस केस की हियरिंग फिर से शुरू होगी। लेकिन उनको जमानत मिलने के बाद अब आशाराम बापू के भक्त जो है इस बात से नाराज हो गए हैं।